अभी फिलहाल हम लोगों ने बहुत उड़दंग मचा दिया था रिसेप्शन काउंटर पे, तो उन्होंने फाइनली हम लोग को लिया साइड में, हमें कोचिंग और उन्होंने कहा तुम लोग जाके काउंसलिंग रूम में बैठो भाई, चैन से तुम्हें कॉफी शॉफी पिलाते हैं, ठीक है। और वहीं पे हमारा जो रूम रूम था, पहले एक्चुअली क्या हुआ था, कल रात को थोड़ा सा मैं साथ आपको शेयर करने वाला था आपसे, ये बात प्रॉब्लम क्या हुई थी, कल रात को हमारी इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि इमरजेंसीज काफ़ी सारी आ गई हैं, एज इन काफ़ी सारे लोग आ गए थे रात को इमरजेंसी में, तो उसके कारण क्या हुआ कि इनके पास रूम नहीं था, तो हमने कहा दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, हमने आपको रूम पहले बुक करा रखा है, अगर इमरजेंसी में आने से इतना ईजिली एक्सेस मिल जाता तो फिर हमें भी इमरजेंसी में आना चाहिए, तो हमें एडवांस बुकिंग नहीं करानी चाहिए, तो दैट इज़ योर ड्यूटी, आप कुछ भी करो कैसे भी करो, हमारे को हमारा रूम अरेंज करके दो, उन्होंने हमारा फिर स्वीट रूम जो हमने बुक कराया था उनको अरेंज करके दे दिया फाइनली, और उन्होंने कहा थोड़ी देर में दे देंगे, वैसे तो हम ओटी में 11 बजे जाना था, बट इट्स ऑलरेडी 11 o'clock और हम ओटी में नहीं गए हैं अभी तक भी, अभी भी हम बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं, उन्होंने हमको लागे क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा उठान मचा दिया रिसेप्शन पे, तो हमको लागे खुद से मिठाई के तुम लोग यहाँ बैठो आराम से कॉफ़ी शॉफी लो, ठंडे हो जाओ थोड़ा, और तुम्हारे लिए सब कर रहे हैं, वैसे भी ओटी ओटी की तैयारी हो जाए, आई गेस एक आध घंटे में और आधे एक घंटे में हो जाएगा, मरीज हमारे साथ बैठा एकदम फिट एंड फाइन, इसमें कोई टेंशन नहीं, ये अपना इंतजार कर रहा है गुड न्यूज़ का, तो बस थोड़ी देर में जो भी अपडेट हो गया आपको बताएंगे, थोड़ा सा स्कैम हो गया था इस तरीके से हमारे साथ, तो थोड़ा टेंशन था, बट देन अभी ऐसा हो गया कम्प्लीटली रिलीव, बिकॉज हमारी काउंसलर थी उसने आके हमको बोल दिया कि एवरीथिंग इज सेट एंड डन, फिर हमारे एक अंकल थे, आई जस्ट वांटेड टू थैंक हिम थ्रू दिस वीडियो, कि उन्होंने एक्चुअली इज अ डॉक्टर, इज एनेस्थेटिस्ट, तो उन्होंने कॉल करके डॉक्टर मनीषा को बोला, फिर देन हम लोग का वैसे भी कोऑर्डिनेशन के साथ था, थोड़ा हम लोग भी थोड़ा उनके साथ चिल्ला विल्ला पड़े थे इस चीज़ को लेकर, बिकॉज वी वर प्रीटी अपसेट, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ की टेंशन में थे और उसके बाद ये सब चीज़ें आ जाता है तो ऑब्वियसली इंसान थोड़ा सा पिस ऑफ हो जाता है, तो हमें लगा कि यार इतना बड़ा बुक अप कैसे कर सकते हैं, जबकि हमारी ऑलरेडी एडवांस बुकिंग है, टाइम से इनको बोल रहे हैं नो मैटर वॉट, हम ये नहीं कह रहे सबके लिए रियल चीज़ें, हमने कहा उनको डील करो बिल्कुल, उनको भी प्रॉपर अटेंशन दो जॉब देना चाहते हो, बट लीज हमारा ही पहले से बनता है, बिकॉज हमारे लिए तो मैं ये नहीं कह रहा हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट है, बट देन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए मेरा पेशेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जैसे उनके लिए उनका पेशेंट इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए हम उस चीज़ को सोचते हुए हम लोगों ने उनसे डील किया, बट देन नाउ इज एक्चुअली फाइन ऑल वेल सॉर्टेड, तो सुबह से दिमाग खराब था अभी तो ठीक हो गया, सो वी आर रेडी, वी आर पम्प्ड अप, बस जोशना जाएगी एंड देन वी गेट अ गुड न्यूज, और तब तक हम लोग बैठ के वेट करेंगे, सो दिस इज द सूट रूम व्हिच वी हैव बुक्ड फॉर जोशना, एक बार देखते हैं इसको, ये लॉन्ग एरिया है, लॉन्ग एरिया, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, हम नीचे रहेंगे, बहुत एक्साइटमेंट है, सो विल बी देयर ओनली, फिर शिफ्ट होंगे दोस्तों के लिए, तब तक डेकोरेशन भी हो जाएगा, हम उनको बता देंगे कि लड़का है लड़की है तो सबसे पहले डेकोरेशन करेंगे, सो जस्ट प्रीटी एक्साइटेड, आई जस्ट वांट अ बेबी टू बी हेल्दी, अखबार रखा है डजंट मैटर टू मी, मुझे फर्क नहीं पड़ता लड़का लड़की, बट हेल्दी होना चाहिए बच्चा, हो सकता है, हाँ सर, तो दिस इज द रूम, अभी हम लोग आ चुके हैं जो आके रूम में, हम लोग यहाँ बैठे थे, मैं मम्मी रोहित, हम लोग ने भी लंच किया और एवरीबडी इज हैप्पी, सब खुश है, अभी जो से हम लोग मिल भी गए, मैं भी मिले मम्मा भी, मम्मा कैसा लगा मिलकर जो से, एक्चुअली क्या हर जैसे हर किसी एक्सपेक्टेशन होती है ना, एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग बॉय, मम्मी और शायद बॉय एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट देन मेंट टू बी गर्ल, मेरा विश तो ये था लड़की है, सो आई जस्ट गॉट व्हाट आई विश्ड फॉर, तो बाकी बच्चा आने में तो सब खुश हो जाते हैं, मम्मी बहुत खुश है, जॉय बहुत खुश है, शी इज वेरी हैप्पी, बट देन अभी मेरे ख्याल में एक दो घंटे में वो वहाँ से रूम से उसको ओटी से यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, और फिर उससे बात करेंगे, फिर आपको भी एक बार उससे मिलवाएंगे दोस्तों से, बिकॉज हमने उसको ओटी के प्रोसीजर का कोई वीडियो वीडियो नहीं बनाया, दो वी आर अलाउड टू बट देन वी डोंट वांट टू, तो हमने नहीं बनाया, हमने कहा दैट्स समथिंग रियली प्राइवेट, वी डोंट वांट टू गेट इनटू इट, इसलिए हमने नहीं बनाया, अभी हम लोग जब वो आएगी तो आप लोगों से बात भी कराएंगे और सारी चीज़ें पूछवाएंगे कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या था, जो भी चीज़ थे, बाकी की सारी चीज़ें तो वही बता पाएंगे अच्छे से, और रोहित भी चाचा बन चुका है, कंग्रेचुलेशंस रोहित, सही समझे, तुम्हें कुछ बोलोगे यार रोहित, यार चाचा बनने के उस पर कुछ बोलो तो छोटी मोटी स्पीच तो दो यार, ये क्या बात है, मम्मा तो मम्मा नानी बनी, मम्मा स्पीच देंगे, नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत सुंदर है बेटी, देख के आई हूँ, हाँ मम्मा ने देख लिया, एंड बहुत लिटरली वेरी, शी इज वेरी प्रिटी, वो बिल्कुल 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 जवाब है गई कम्प्लीटली, मेरे पे शायद जब गई होगी तो बड़ी होकर पता लगेगा, अभी तक तो मुझे नहीं लगता,
ठीक है मेरे ऊपर गई होगी, बट देन जुआ पे तो बहुत गई है, शी इज़ वेरी विडेशन कलर, बहुत बहुत क्यूट है। अब बाकी जब हाथ में आएगी तो पता लगेगा, बिकॉज मैंने कुछ फिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए उसको देखा था, मैं उसका मेरे लिए नाम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो अभी बार हाथ पे लूँगा, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हर, मेरे को बड़ा मन कर रहा है, क्योंकि ये पता नहीं मोमेंट ये मतलब वही फील कर सकता है जिसकी लाइफ में बीतेगा। सो आई गेस कभी आप लोग भी इस तौर से गुजरेंगे तो मैं कम्प्लीटली कनेक्ट विद मी, एज ऑफ नाउ मैं उतना कनेक्ट नहीं करवा सकता किसी को, बट आई एम इमोशनली टच्ड, ठीक है। और सत्यम भी बहुत खुश है, ला सत्यम तो भी थोड़ा एक्सप्रेस कर देगा, तो कुछ ऐसे बचा बोल तो ले कुछ के बाद तो उसके बाद तू करेगा क्या, बच्चे को क्या गिफ्ट देगा, ये लड़का ना इतने टाइम से गिफ्ट देने की बात कर रहा है, साले ने आज तक 1 रुपए का गिफ्ट मुझे नहीं दिया, बट कोई ना उसको तो दे देगा, मुझे पक्का बता, अपनी भतीजी को तो दे लेगा ये, बिकॉज इसको भी लड़कियां बहुत पसंद है ना, इसकी भी जितनी बहन है उनके साथ इसका कनेक्शन बहुत अच्छा है, इसकी बहनें रही हैं काफ़ी सारी, तो आई गेस इसकी तो बहुत कनेक्ट होने वाला है उससे। और रोहित भी, रोहित का ही मन बिल्कुल मेरे साथ, ये भी चाहता था लड़की हो है ना, और मेरा तो सही बता रहा हूँ, मेरा तो बहुत बहुत हार्ड को बेचता की लड़की हो, और मेरे को मैंने जो चाह मुझे मिला, आई थिंक अब यहाँ से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ऊपर वाले से कनेक्ट हो रहा हूँ, और जो मैं चाह रहा हूँ ना मुझे दे रहा है, तो आई थिंक अभी जो आती है फिर आप लोगों से थोड़ा मिलवाते बात करते हैं, इसके बाद लोगों का आने जाना लगा रहने वाला रात तक, ठीक है। तो कुछ अगर सत्य में शूट कर पाया तो विल शूट इट फॉर यू, लोगों को नहीं पता, ब्लॉगिंग चैनल हमारा तो उनको नहीं बताएंगे, बट सीक्रेटली कुछ कुछ शूट कर लेंगे, है ना दादा, हो जाएगा बस, थोड़ा बहुत जो भी शूट होगा आपको एक टाइम लैप्स में दिखा लेंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज थोड़ा लेट व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई एम कमिंग अप विद अ गुड न्यूज़, और ये जेंडर रिवील व्लॉग है, मैं अपने बच्चा मेरा लड़का है या लड़की आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि कहते हैं ना कई बार जो आप मांगो वो आपको मिल जाए तो आपको खुशी बहुत होती है, जैसे कि मुझे हुई, क्योंकि मैंने जो विश किया था मुझे वही मिला, और इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मतलब जब वो चीज़ हुई, जब मुझे पता लगा, जब डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम मेरे बच्चे को मैं जेंडर रिवील किया, आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई वॉज ऑन क्लाउड 9, क्योंकि मेरे को वही मिला जो मैंने चाहा था। यहाँ पे मेरा और जोआ का फाइट चल रहा था, बट देन मैं जीत गया और जोआ हार गई, बट उसकी हार में भी उसकी जीत हुई, बिकॉज उसको भी बहुत अच्छा लगा, अपना बच्चा ही होता है, कोई भी हो कैसा भी हो हेल्दी होना चाहिए, और बहुत खुशी होती है देखकर, और वही जोआ के साथ हुआ, इट वॉज़ अ वेरी हैप्पी मोमेंट, और मैं आप लोगों से शेयर करे बिना मुझे रहा नहीं जा रहा था, तो मैं आज आया रात को, और आज ही हुआ है दोपहर में, और आज ही आते के साथ ही मैंने रात को ब्लॉग शूट करना यहाँ पे सही समझा, बिकॉज हॉस्पिटल में वाइब नहीं आ रही थी और खुल के बात नहीं कर पा रहा था मैं, बिकॉज काफ़ी सारे लोग आ रहे जा रहे थे आज, तो मैंने सोचा मैं घर पहुँचूंगा तो फिर ब्लॉग शूट करूँगा, तो मैंने शूट किया, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू रिवील दैट इट्स अ बेबी गर्ल, आई जस्ट गॉट वॉट आई विश्ड फॉर, मैंने यही मांगा था और मुझे वही मिला, सो आई एम वेरी 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 हैप्पी, एंड थैंक्स फॉर एवरी वन एंड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स आई गॉट फ्रॉम माई फैमिली एंड ऑल, बिकॉज मेरे को हमेशा क्या लगता था ना कि मैं बहुत अकेला हूँ इस वर्ल्ड में, आई हैवेंट मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि यू नो आई एम समवेयर आई एम इनकम्प्लीट, मैंने कहा तो डॉटर हमेशा ऐसा होता है ना कि बाप का बेटी के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, तो वो चीज़ सुन सुन के मेरे दिमाग में इतनी पक गई थी कि मुझे ऐसा लगा था कि हाँ मेरी अगर बेटी आई तो मैं कंप्लीट हो जाऊँगा, आई बी अ कंप्लीट मैन ऑल टुगेदर, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, जब वो आई लिटरली आई हैड टीयर इन माई आईज एंड आई कैन नॉट शूट दैट बिकॉज दैट इज समथिंग रियल एंड समथिंग वेरी 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 पर्सनल, और मैं उसे शूट नहीं कर पाया, ना मेरी हिम्मत हुई उससे ब्लॉग करने की, बस एट दैट पॉइंट टाइम वॉज कम्प्लीटली नाम, बहुत 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 ज़्यादा खुशी, बहुत अच्छा लगा, एंड आप मेरी बातों से समझ पा रहे होंगे आप मुझे कितनी खुशी हुई थी, सो आई वॉज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई विल बी वेरी हैप्पी द वुमन शी विल बी होम, और थोड़े टाइम तक जैसे कि प्रथा चलती है कि हम चेहरा नहीं दिखा सकते, थोड़े टाइम तक उसका फेस ज़रूर रिवील करेंगे आपको, आपको उससे मिलवाएंगे, एंड यू विल बी हैप्पी टू सी माई बेबी, एंड शी इज़ वेरी 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 क्यूट, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, तो शहर में आपके लिए अपना बच्चा सुंदर होता है, सो दैट्स नॉट द केस, बट मेरे लिए उसकी वाइब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वाइब है, और बहुत खुश हूँ मैं, बस इसके आगे से यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट्स कंटिन्यू द ब्लॉग फ्रॉम हियर ऑन। सो फिलहाल आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं जा रहा हूँ अपने बच्ची को लेने, आई एम वेरी प्राउड वेरी एक्साइटेड, दिस इज अ स्वीट रूम, यहाँ बेबी गर्ल के लिए बेबी पिंक में डेकोरेट हो चुका है, एंड दिस इज द मैसेज, दिस इज हाउ द लॉबी ऑफ द हॉस्पिटल लुक्स, सत्य मस्त है हॉस्पिटल, अच्छा है, कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं है ना, हाँ यहाँ पे कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है, कोई किसी तरीके की बाइंडिंग नहीं है, बट यही कि आप इजीली आओ, आराम से बैठो, इन्जॉय करो और जाओ, रूम भी अच्छा है, काफ़ी कुर्सी कंफर्टेबल स्वीट रूम है,
डेकोरेशन वगैरह भी सब इन्होंने अपने आप करी हैं, अभी मेरी कार भी डेकोरेट करेंगे एंड दिल भी एम्पल ऑफ थिंग्स जो मैं आपको आगे बताऊंगा जो जो हमें लोगों से कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाली है। सो इज जस्ट एंजॉइंग दिस टाइम, ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पा रहे, जो उसने आ चुकी है तो मैं आपको उससे जल्दी मिलाऊंगा वन शी भी कम्फर्टेबल। ये नाना जी आए हैं, पूरी